બનાસકાંઠાની દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આજે 19મા અખિલ ભારતીય યુવા મહોત્સવનો પ્રારંભ. દેશના અલગ અલગ રાજ્યોના કૃષિમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા રાજ્યોની સંસ્કૃતિ સમજે અને કૃષિ અંગે માહિતગાર થાય તે માટે યુવા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજે બનાસકાંઠાની દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 19મા અખિલ ભારતીય યુવા મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે આજે આ યુવા મહોત્સવને અને એગ્રી યુનિવર્સિટી ફેસ્ટોનું ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું. આ મહોત્સવ 5 દિવસ ચાલનાર છે, જેમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યોની 70 યુનિવર્સિટીના 3000થી પણ વિદ્યાર્થીઓ વધારે ભાગ લેશે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ કૃષિ અંગેની માહિતીની સાથે સાથે સંસ્કૃતિનું પણ આદાન પ્રદાન કરશે. અહીં મત 100 કે 200 નહીં પરંતુ 500-700 કિલોમીટર દૂરની યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ પણ ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે અને તેમના રાજ્યોની સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવતી કૃતિઓ રજૂ કરશે, જ્યારે ગુજરાતમાં આવ્યા બાદ તેઓએ તેમના અનુભવ રજૂ કર્યા હતા. દેશભરની તમામ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનો યુથ ફેસ્ટિવલ દાંતીવાડા એટલે કે બનાસકાંઠામાં ગુજરાતની ધરતી ઉપર 5 દિવસનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. લગભગ 65 યુનિવર્સિટીમાંથી વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો બધા અહીંયા ભાગ લેવા આવ્યા છે. ખૂબ સારા ઉત્સાહજનક વાતાવરણમાં કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ આજે આ યુથ ફેસ્ટિવલનું કામ કરી રહ્યા છે, એ બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. हम लोग 31st को सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जम्मू से निकले थे. उसके बाद हम लोगों ने 31st नाइट स्टे हिसार हरियाणा HAU किया. उसके बाद हम कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहे और हम 1st को रात को 2 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं. और अब हम यहाँ पे एक तो अपना फोक डांस रिप्रेजेंट करने वाले हैं. हम जम्मू का फोक डांस रिप्रेजेंट करेंगे, डोगरी डांस. एंड हम प्रोसेशन में अपनी पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारी स्टेट के 3 रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो हम अपने तीनों रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई एम रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी एंड डोगरी एंड लद्दाखी. उसके बाद हम लोग थिएटर के तीनों माइम भी कर रहे हैं, मोनो एक्टिंग प्ले और स्किट भी कर रहे हैं. और हम म्यूज़िक में भी ग्रुप सॉन्ग कर रहे हैं, पेट्रियाटिक कर रहे हैं. जो हमारा ग्रुप सॉन्ग है वो भी हमारा फोक सॉन्ग ही होगा, डोगरी में होगा, जम्मू डोगरी कर रहे हैं क्योंकि वी आर फ्रॉम स्कॉस जम्मू. तो एक्चुअली जम्मू कश्मीर में 2 स्कॉस है, 1 स्कॉस जम्मू है, 1 स्कॉस कश्मीर है. तो हम स्कॉस जम्मू से हैं तो इसलिए हम जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट एज अ अभी हम अपनी पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सर एक्सपीरियंस तो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है. यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा लगा हमें और यहाँ के अभी तक जो जैसा एक्सपीरियंस हमारा 1-2 दिन में रहा काफ़ी अच्छा, काफ़ी कोऑपरेटिव है सब. तो अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मुझे बीकानेर राजूवास की तरफ से राजस्थान से आए हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर फेस्ट में. हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से अभी मार्च पास होगा, उसके बाद में सारे कल्चरल इवेंट्स में हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है. जैसे स्किट, माइम, फाइन आर्ट्स, डांस, सिंगिंग, सोलो सिंगिंग सब में हमारी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट मैंने थी. टोटल पार्टिसिपेट 6 लोग आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पर बहुत अच्छा कैंपस है, બનાસકાંઠા.